झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव से पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल चुकी है। इसी बीच अभी खबर आई है कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में विधानसभा चुनाव हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो जाएगा, वहीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी नवंबर से पहले ही चुनाव कराए जाएंगे। इसी क्रम में झारखंड में भी इन्हीं राज्यों के साथ चुनाव कराने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। बता दें कि 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन झारखंड के चुनाव अलग कराए गए थे। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमानत के द्वारा जेल से बाहर आ चुके हैं और इससे झामुमो में काफी हर्षोल्लास का माहौल है। झारखंड से बाहर आने के बाद यह साफ है कि अब हेमंत सोरेन ही विधानसभा चुनाव का नेतृत्व करेंगे।